Yeah. Just look MD. At this, guys. JPB. Hot lag rahi hai. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. And 14th Feb, you know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. हेलो कब्रूज आर्मी, आर यू ऑल फाइन? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 299। एंड भाई, आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको मेरी R15M इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। सो जब से मेरी R15M की सीरीज चल रही है भाई, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे चैनल के ऊपर। एंड मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी मेरी R15 सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो डैट हमारी रीच वहां तक भी पहुंचे। सो जैसा कि मैंने पुराने ब्लॉग में बताया था कि R15M को मैं जितना स्पेशल बना रहा हूं, उतने ही ज़्यादा मैं एक हेलमेट को भी स्पेशल बना रहा हूं। एंड इसलिए आज R15M को थोड़ा सा दूर रखते हैं एंड बात करते हैं आज इसकी। ये है भाई स्टील बट का SBA 2। सो इस चीज़ को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने पिछली बार बताया था कि मेरे पास SBA 2 है एंड मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूं, सो भाई बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आया था कि आपके पास भैया इतनी अच्छी बाइक एंड आप क्या बेकार से हेलमेट यूज़ कर रहे हो। सो कोई हेलमेट बेकार नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक्सोर का एपेक्स एक्स BHP 299 हेलमेट है, जो कि मेरा मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट है। एंड मैं एक स्पेसिफिक हेलमेट रखता हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए। सो ये वाला जो भाई हेलमेट है मेरा, वो पहले ऐसा हुआ करता था जिसपे ग्राफिक्स आपको दिख रही हैं, एंड आज ये हेलमेट ऐसा है। सो जो कलर मैंने अपनी R15M पे करवाया था ना, ग्लॉसी ब्लैक, सो वही सेम कलर भाई इसके ऊपर हुआ है, वही सेम विनाइल पेंट हुआ है। एंड आप देख सकते हो नाउ इट्स फुल ब्लैक। एंड आज इसके ऊपर भाई दो काम होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये हल्का सा टूट गया था, ये गिर गया था, तो सो इसको आज भाई चेंज करवाना है। अभी हम लोग जाएंगे स्टील बट के शोरूम, अगर वहाँ पे ये वाला पार्ट मिल गया तो भाई आज के आज चेंज करवा देंगे। एंड आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर ईट्रॉन लाइट्स। एंड जैसा कि भाई मेरी बाइक ऊपर से ब्लैक एंड कैंडी रेड उसके अलॉय है, सो मैं अपनी हेलमेट को भाई उसी तरह मॉडिफाई करना चाहता हूँ जब भाई ये वाली लाइट्स लगेंगी उसके ऊपर। एंड भाई रेड कलर की जब लाइट चलेगी, सो भाई इतनी ज़्यादा सेक्सी लगेगी ना। R15M एंड इसका कॉम्बिनेशन भाई डेडली कॉम्बिनेशन होगा। सो भाई लोग फटाफट से निकलते हैं एंड ये वाला पार्ट जल्दी से लगवाते हैं, उसके बाद ये वाली लाइट्स को इंस्टॉल करवाते हैं। ये देखो भाई देसी जुगाड़, ये जो बैक का हैंडल है ग्रिप वाला, इसी पे ये वाला मैंने हेलमेट टांग दिया। सो एक यूट्यूबर को भाई बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ता है और एक ब्लॉग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड अपनी ब्यूटी, अपना कॉकपिट खड़ा हुआ है, रेडी टू लॉन्च। डार्क नाइट ब्लैक पैंथर, ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक। सो गाइस, जो स्टील बट के शोरूम में गया था, सो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास वो वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं पहले लाइट्स को इंस्टॉल कर दूँ उसके बाद उसको इंस्टॉल करवाऊँ, क्योंकि भाई उस प्रोसेस में भाई लाइट डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो वेंट है वो अंदर नेट से कनेक्टेड है। सो मुझे दूसरे स्टोर जाना पड़ेगा जो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। सो अभी मुझे जाना पड़ेगा जगदम्बा ऑटो। सो हम लोग पहुँच चुके हैं जगदम्बा ऑटो एसेसरीज। सो ये वो उस शॉप की दूसरी ब्रांच है। हाँ, भगवान भी चाहता कि भाई मैं ये बाइक को चलाते ही रहूँ। RS को तो एक महीना हो गया, मैंने निकाला तक नहीं है। अंकल वो SBA 2 का वेंट लगाना था, फ़ोन आया था ना आपको? सो भाई लोग फाइनली अपना जो एयर वेंट है SBA 2 का वो लग चुका है। एंड भाई अब इसका आ रहा है लुक, क्योंकि जब ये पीछे टूटा हुआ था ना भाई तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था। एंड अब फटाफट से इसके ऊपर लाइट लगाते हैं और देखते हैं कि भाई फाइनल लुक मेरी हेलमेट का कैसा आता है। सो गाइज फाइनली जो है अपना हेलमेट रेडी हो चुका है। एंड जस्ट लुक एट दिस गाइज, कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है हेलमेट। एंड भाई इसका लुक देखो, मतलब पहले ये कैसी थी और अब ये कैसी हो गई है। एंड भाई मतलब इतनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है ना, एंड रोड पे क्या प्रेजेंस आ रही है। सो पहले आप लोग भाई सिनेमैटिक्स को एंजॉय कर लो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। You know it's a knife or I didn't wanna walk, didn't wanna
भाई लोग कैसे लगे सिनेमैटिक जरूर से कमेंट कर देना, एंड आई होप आपको भी थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी कि आप कोई भी जनरल हेलमेट को उठा के ऐसी मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब जो हेलमेट को कोई पूछता नहीं होगा आप उसको इतना स्पेशल हेलमेट बना लोगे ना, तो भाई आपको एक स्पोर्ट्स बाइक या मॉडिफाइड बाइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने स्कूटी पे भी चल रहे होगे ना और ऐसा हेलमेट पहन के रात में, और ये जब लाइट्स चल रही होंगे ना, तो भाई आपको हर एक बंदा मुड़ के देखेगा। एंड भाई जब लोग मुड़ के देखते हैं, ये अप्रिशिएट करते हैं ना, तो भाई दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे लिए फीलिंग तो भाई वो बेस्ट है। एंड बात करते हैं इस हेलमेट की। सो भाई ये हेलमेट के ऊपर आप लोग जानते हो कि मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेंट करवा दिया था R15M पे जो मैंने करवाया था, एंड ये वाला जो पार्ट है ये वाला भी मैंने लगवा लिया था। एंड बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। सो दिस इज़ अ स्ट्रिप लाइट विच आई ऑर्डर फ्रॉम Amazon। एंड भाई ये भी बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये वाली जो स्ट्रिप लाइट है ना, ये वाली लाइट मैंने लगभग 7-8 महीने पहले ऑर्डर की थी Amazon से, जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। एंड बस मेरे दिमाग में ये था कि ये वाले हेलमेट को भाई पूरा चेंज कर देना है। ये भी दिमाग में था कि भाई ब्लैक पेंट ही करवाना है एंड उसके ऊपर रेड लाइट ही लगानी है। एंड फ्यूचर में ये भी प्लान था कि RS को भाई रेड करवाना है, बट मुझे भाई ये नहीं पता था कि R15 V4 लॉन्च हो जाएगी और मैं उसका M वर्जन खरीदूंगा, उसके बाद उस पर ब्लैक एंड रेड काम करवाऊंगा। सो जब ब्लैक एंड रेड हो गई, उसके बाद मैं सोचा कि अब क्या बच गया। सो ये वाला जो हेलमेट है, मैंने सोचा यार मैंने भी तो ब्लैक एंड रेड सोचा हुआ था, एंड भाई मेरी R15M भी ब्लैक एंड रेड है, तो भाई ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। मतलब पहले से दिमाग में नहीं था कि स्पेशली R15 के लिए हेलमेट बनाना है, ये भाई पहले से डिसाइडेड था कि मुझे ब्लैक एंड रेड हेलमेट चाहिए चाहिए, बिकॉज मेरा जो फेवरेट कलर है ना भाई वो ब्लैक एंड रेड ही है। सो इसलिए मैंने अपनी R15M को भी जो ब्लू कलर है ना भाई उसको हटा दिया। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका ब्लू खराब था, बट मुझे पर्सनली भाई ब्लैक एंड रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। सो डू कॉमेंट गाइज कि आपको मेरा हेलमेट कैसा लगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हमारे 2000 सब्सक्राइबर भाई जल्दी से करवाओ। सो मेरा जो भाई 1K सब्सक्राइबर था वो 1st Jan को हुआ था, एंड आज है 14 Feb। सो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई लव यू अ लॉट माय सब्सक्राइबर माय फैमिली। एंड 14 Feb है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाई बिजी है फ़ोन पे, हाँ आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा है भाई, आपको नहीं विश्वास है तो देख लो, रात के 1:32 हो रहे हैं, मतलब रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। सो इसी टाइम पे भाई मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही है क्योंकि आसपास भाई बहुत ज़्यादा शोर होता है और अपने पास डायरेक्शनल माइक नहीं है। सो GoPro का माइक है भाई, वो जो दूर दूर की भी साउंड होता है ना उसको भी अडेप्ट कर लेता है। सो मुझे रात में भाई वीडियो बनाना पड़ता है। एंड भाई आप लोग चैनल पे क्या धाकड़ सपोर्ट कर रहे हो, सो ऐसे ही कॉमेंट करते रहो, ऐसे ही लाइक करते रहो, ऐसे ही शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। आप लोग भाई यूट्यूब पर तो धमाल मचा ही रहे हो, बट भाई इंस्टाग्राम पर भी प्यार दो ना, क्यों नहीं दे रहे प्लीज़। इसके जितने भी फोटोज़ हैं हेलमेट्स के, और भाई इतने अच्छा रील बनाना इसका, जो लोग भी मेरे अभी वीडियोस देख रहे हैं भाई जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, 299 फिल्म्स के नाम पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम खोलो, रील को लाइक करो भाई, शेयर करो, एंड जितने भी इंथुजियास्ट फ्रेंड है भाई हर जगह फैला दो। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अपने भाई को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जिंदगी जियो, हंसते हंसते, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, साइनिंग ऑफ गबरू, बाय।